नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। पीजीटी कॉमर्स टॉपिक वाइज स्टडी का पार्ट 52 है ये, और जितने भी पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें तकरीबन यह देखने में आता है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पार्ट 52 के बाद दो पार्ट और आएंगे जिनमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पूरी तरह से कवर किया जाएगा। आज इसके बेसिक्स हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, मॉडर्न अप्रोच एंड मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता क्या है। ये दो शब्दों के मेल से बना है, ऑर्गेनाइजेशनल और बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, और ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है लोगों के समूह को, किसी संस्था को, किसी ग्रुप को। और बिहेवियर यानी कि उस संस्था का बिहेवियर, तो संस्था का बिहेवियर नहीं होता, संस्था में जो लोग काम करते हैं उन लोगों का बिहेवियर, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एलिमेंट से यानी कि विभिन्न तत्वों से प्रभावित हो, किसी संस्था का क्या बिहेवियर है। हम इसको पढ़ते क्यों हैं इसके बारे में भी समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से मैनेजर्स ये समझ सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, उस बिहेवियर का क्या कारण है, उसके क्या आउटकम्स हैं बिहेवियर के। और अगर बिहेवियर को पॉजिटिव तरीके से हम चेंज लाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज के जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं ताकि उत्पादन में सहयोगी हो, संस्था के लाभों में वृद्धि हो, एफिशिएंसी बढ़े, इफेक्टिवनेस बढ़े, तो मैनेजर्स के लिए आवश्यक है कोई ये भी समझें कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे पॉजिटिव चेंज एम्प्लॉयज के बिहेवियर में लाए जा सकते हैं। और इन सब की जानकारी तब मिलती है मैनेजर्स को जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में वो अच्छी समझ रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अलग से एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, एक अलग से अध्ययन का क्षेत्र है जो कि डिवोटेड है अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और अल्टीमेटली इम्प्रूव करने के लिए एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था में इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्ति काम करते हैं और ग्रुप यानी कि विभिन्न समूह होते हैं। अब विभिन्न समूहों में ये जो समूह हैं ये फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज, सेल्स डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज। और इनफॉर्मल ग्रुप भी हो सकते हैं, जैसे कुछ एम्प्लॉय किसी खास एरिया के हैं तो आपस में उनमें लगाव हो जाता है, मित्रता हो जाती है, एक जैसी भाषा बोलने वाले हैं उनमें मित्रता हो जाती है। तो और अलग अलग कल्चरल कारण होते हैं, डिफरेंट रीजन्स होते हैं, तो ऐसे समूह भी आपस में लोगों के बन जाते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं। उन सब के बिहेवियर में हम उनके बिहेवियर को समझें, उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता रखें और अल्टीमेटली हम उनके बिहेवियर में चेंज लाएं जिसके कारण उनका एटीट्यूड और उनका बिहेवियर संस्था के हित में हो जाए। यही हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं इस चीज की हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब बात आती है क्या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कोई अलग डिसिप्लिन है जैसे कि बाकी होते हैं कि इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है या मैनेजमेंट है या साइकोलॉजी है या सोशियोलॉजी है। जी नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अलग से कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, अलग से कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कोई डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि ये एक ब्लेंड है, ये एक मिश्रण है बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। इसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा भी बहुत एंथ्रोपोलॉजी, इन सब का मिश्रण रहता है। इन सब से मिलकर के बनता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें हर वो चीज, हर वो पहलू आता है जो लोगों के बिहेवियर में चेंज लाता हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कभी कभी एचआरएम के जैसा लगता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा लगता है, लेकिन एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी अंतर है।
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, जबकि एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, सेपरेट फंक्शन है जिसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की नियुक्ति की जाती है। जैसे अलग अलग फंक्शनल एरियाज होते हैं कि परचेज मैनेजमेंट होता है, सेल्स मैनेजमेंट होता है, वैसे ही एचआर मैनेजमेंट भी होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है उन सभी एक्टिविटी उन सभी इश्यूज के लिए जो स्टाफिंग से संबंधित होते हैं। कंट्रीब्यूटिंग फील्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनके कारण हम इसको समझते हैं और स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे फील्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी वह साइंस है जिसमें मेजर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और समटाइम्स चेंज किया जाता है बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यानी कि साइकोलॉजी वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम लोगों के बिहेवियर को समझते हैं और उनमें मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं, लोगों का भी और एनिमल्स का भी। और साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो यह काम करते हैं। अब सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी समाज विज्ञान, ये स्टडी करता है लोगों की इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि जो लोग अपने साथी लोगों के साथ रिलेशन रखते हैं, जैसा रिलेशन रखते हैं वो सोशियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो समाज का हिस्सा होता है, समाज का अंग होता है, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक व्यक्ति का पूरे समाज के साथ, समाज के दूसरे लोगों के साथ क्या रिलेशन है, इस बात की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी के अंतर्गत। सोशल साइकोलॉजी या सोशो साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों से मिलकर बना है, और यह एरिया है जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों के ही कॉन्सेप्ट सम्मिलित रहते हैं। यह फोकस करता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर, लोग एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है सोसाइटीज की, जिनमें हम लर्न करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के बारे में और उनकी एक्टिविटीज के बारे में। ये हमें इस बात को समझने में मदद करता है कि जो फंडामेंटल वैल्यूज हैं, एटीट्यूड हैं, बिहेवियर हैं लोगों के बीच में, जो कि अलग अलग देशों के लोगों में और अलग अलग संस्थाओं में पाए जाते हैं, उनके क्या कारण होते हैं, इस बात को जानने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस स्टडी है लोगों के बिहेवियर की और ग्रुप्स के बिहेवियर की, एक पॉलिटिकल एनवायरमेंट में, राजनीतिक वातावरण में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इन सब का जो मिश्रण है, इन सब से हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसकी और कुछ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे, जैसे इसकी नेचर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके मॉडल्स क्या हैं। तो सबसे पहले नेचर। नेचर में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की नेचर क्या है, इसकी नेचर ह्यूमनिस्टिक है, क्योंकि ये लोगों से संबंधित है, लोगों के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किया जाता है तो हमें उम्मीद होती है कि हम बेटर बिहेवियर बना पाएंगे, बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज ला पाएंगे। अप्लाइड साइंस, ये एक अप्लाइड साइंस है, इसको अप्लाई किया जाता है लोगों के ऊपर। नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस यानी कि ये हमें बताती है कि लोगों के बिहेवियर को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इसलिए एक नॉर्मेटिव साइंस है। सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, ये एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है, मतलब जिसमें बाकी जो टॉप डिसिप्लिन हैं उनकी हम मदद लेते हैं, ये कोई अलग से डिसिप्लिन नहीं है बल्कि ये एक सेपरेट फील्ड है स्टडी का। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि ये जो अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिनसे जो आपस में जुड़े रहते हैं और उनसे मिलकर के हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी कर पाते हैं। जैसे अभी देखा ही था कि इसमें पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब शामिल रहते हैं।
नेक्स्ट है टोटल सिस्टम अप्रोच। यह एक टोटल सिस्टम अप्रोच होती है, यानी कि हम ये जितना भी कॉम्प्लेक्स जो होता है लोगों के बिहेवियर में, जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होते हैं, उन सबको हम इन टोटल स्टडी करते हैं, इन टोटल उनको समझते हैं, क्योंकि लोगों के बिहेवियर पे किसी एक चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी संस्था में एक एम्प्लॉई है, मान लो वो उस दिन किसी दिन वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, लगातार अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मैनेजर ने देखा कि भाई एक अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मैनेजर के माइंड में आ सकता है कि भाई ये अच्छा काम करना जानता नहीं है इसलिए है ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये टोटल सिस्टम अप्रोच है। हम इसमें समझने का ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो क्या इसकी स्वयं की कमी है, क्या इंटरनल कारण है या एक्सटर्नल कारण है, हमारी संस्था की कोई समस्या तो नहीं है, जो इसके साथ ही है उनकी वजह से कोई समस्या नहीं है, उनके सबॉर्डिनेट की वजह से तो नहीं है, उनके जो अथॉरिटी है उनकी वजह से नहीं है, उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कि इन टोटल अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम हर एंगल से उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव हैं, इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन टाइप के कुछ समझेंगे तो उसके बाद स्वयं समझ आते चले जाएंगे कि इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। टू क्रिएट ए सोशल सिस्टम इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में एक सोशल सिस्टम तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। टू इंस्पायर द पीपल टू वर्क एंथुसियास्टिकली इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोग एंथुसियास्टिकली मन लगा करके काम कर सके संस्था में, इसके लिए उनको इंस्पायर करना, क्योंकि बिहेवियर में हम पॉजिटिव चेंज लाते हैं, तो पॉजिटिव चेंज हमें हर चीज में दिखेगा, सोशल सिस्टम बनेगा, अच्छा काम करेंगे। टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप डेवलप होगी। टू डेवलप इफेक्टिव ग्रुप बिहेवियर, अच्छा ग्रुप बिहेवियर आएगा। टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड टू रिजोल्व देम, इसकी वजह से हम ये समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या है और उनको रिजोल्व भी कर पाएंगे। टू इंक्रीज द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, लोगों का मोरल बढ़ा पाएंगे। टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर पाएंगे जो कि फेवरेबल हो वर्क के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट बना पाएंगे। टू फाइंड आउट द वेज फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और ऐसे रास्तों की तलाश कर पाएंगे जिनसे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को प्रभावी बनाया जा सकता हो। इसके अलावा भी हर वो पॉजिटिव वर्क जो हम कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर में चेंज ला करके, वो सब ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब है कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना होगा, कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें जो मेजर एरियाज हैं पीपल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम जो बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, उसकी स्टडी करेंगे, तो पीपल इससे संबंधित है। कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल सोशल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग संस्था में काम करते हैं वो इंटरनल सोशल सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसकी स्टडी की जाती है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक संस्था में जो लोग काम करते हैं उनके आपस में रिलेशन, उनके कोई किसी का सबॉर्डिनेट है, कोई किसी का ऑफिसर है, उन सब रिलेशंस को देखते हुए स्ट्रक्चर बनता है। तो रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी इसमें स्टडी शामिल होती है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में मशीन टूल्स प्रोसेस और अदर रिसोर्सेज जो कि संस्था में इफेक्टिवनेस लाते हैं, लोगों जो लोगों का काम है उसको और बेटर बनाने में मदद करते हैं, वो सब टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बिहेवियर पे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। अब वो बाहरी एनवायरनमेंट जिसमें संस्था काम करती है, उसमें बाहरी सप्लायर्स हो सकते हैं, बाहरी संस्थाएं हो सकती हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वो आ जाता है। कुल मिलाकर के जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक दो दफा ही आया है प्रीवियस एग्जाम में, ये जो तीन आइटम्स है ये इंटरनल में आ जाते हैं, इंटरनल स्कोप है लोग, पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, और जो सोशल सिस्टम है ये इसका एक्सटर्नल स्कोप है, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। नेक्स्ट है मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित मॉडर्न अप्रोच क्या है। इससे संबंधित मॉडर्न अप्रोच को मेनली इन चार चीजों में हम देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच कंसर्न विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। इस अप्रोच में हम लोगों के जो यहाँ पे पीपल का मतलब एम्प्लॉय से है, जो लोग संस्था में काम कर रहे हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट से संबंधित है। कंटिजेंसी अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट बिहेवियरल
प्रैक्टिसेस। देखिए कंटिजेंसी का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं, नथिंग इज परमानेंट, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन होगी तो डिफरेंट उसका सॉल्यूशन होगा, ये कंटिजेंसी अप्रोच है। इसमें इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ए ट्रेडिशनल अप्रोच, किसी ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करने की बजाय अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में सोचा जाता है। प्रोडक्टिविटी अप्रोच, प्रोडक्टिविटी अप्रोच में फोकस किया जाता है कि जो आउटपुट है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, मोर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल इनपुट्स हैं, जो साधन हैं, उन्हीं का अगर हम बेटर तरीके से यूज करें और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पॉजिटिव कर पाए, उस पर कंट्रोल कर पाए, उस तो हम ज़्यादा आउटपुट उससे प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम अप्रोच है, ये एम्फसाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच एलिमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शनल इफेक्टिवली। एक संस्था में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और उनके इंटरडिपेंडेंट होने के कारण हम ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर तैयार करें ताकि वो इफेक्टिवली मिल करके काम करें और जिससे कि संस्था को फायदा पहुंचे। ये सिस्टम अप्रोच है, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बेटर तरीके से काम करें। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मेजर मॉडल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले द ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर है वो ऑटोक्रेटिक टाइप का हो सकता है। अब इसका बेस क्या है? द बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज पावर। इससे संबंधित क्वेश्चन कई दफे पूछ लिया जाता है कि जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है उसका बेस क्या है? उसका बेस है पावर, मतलब जो लीडर है उसके हाथ में पावर होनी चाहिए और उस पावर के दम पे जो मैनेजियल ओरिएंटेशन है वो अथॉरिटी से होता है, उसके पास अथॉरिटी रहती है, पावर रहती है जिससे कि वो काम करा पाता है। जब उसके पास पावर होती है तो जो एम्प्लॉइज हैं वो डिसिप्लिनड रहते हैं, वो ओबीडियंट रहते हैं और वो बॉस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये इसका परिणाम होता है। और इसकी वजह से लॉन्ग रन में एम्प्लॉइज कभी कभी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है, एम्प्लॉइज के बीच में वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं और स्ट्रेस रख सकते हैं, तो लॉन्ग रन में ये जो मॉडल है ये अच्छा नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट है द कस्टोडियन मॉडल। अब कस्टोडियन मॉडल जो है वो उसमें जो बेस है इस कस्टोडियन मॉडल का, इसका बेस है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि इसमें यह समझा जाता है कि लीडर के पास, मैनेजर के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और उन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कस्टोडियन है मैनेजर, इसलिए इसको कस्टोडियल मॉडल कहा जाता है, उसकी कस्टडी में है। और क्योंकि उसकी कस्टडी में है इसलिए उसकी ड्यूटी है कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनका बेटर तरीके से यूज किया जाए। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो मनी की तरफ होता है, एम्प्लॉइज इंटर्न और बदले में जो एम्प्लॉइज हैं वो उनको सिक्योरिटी और बेनिफिट्स मिलते हैं, एम्प्लॉई नीड दैट इज मेट इज सिक्योरिटी, क्योंकि उनको बेटर पे मिलती है जिससे उनकी सिक्योरिटी तय होती है। एम्प्लॉइज वॉन्ट वर्क एज ए टीम। अब इसमें एम्प्लॉई एक टीम की तरह काम नहीं करते हैं, वो सब अपना अपना जो इनकम्स है उनको बढ़ाना चाहते हैं। द परफॉर्मेंस रिजल्ट इज पैसिव कॉपरेशन, और इसमें जो रिजल्ट इसका निकल के आता है वो पैसिव कॉपरेशन रहता है, एक्टिव कॉपरेशन नहीं रहता है। नेक्स्ट मॉडल है सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल जैसा कि नाम से सजेस्ट है, इसका जो बेस है वो सपोर्ट है। बेसिस ऑफ दिस मॉडल इज लीडरशिप विद ए मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ सपोर्ट। लीडरशिप जो है वो सपोर्ट, मतलब लीडरशिप सपोर्ट करती है। एम्प्लॉइज इन टर्न आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स जॉब परफॉर्मेंस एंड पार्टिसिपेशन। जब एम्प्लॉइज को सपोर्ट मिलती है तो वो जॉब परफॉर्मेंस करते हैं और पार्टिसिपेशन करते हैं काम में। एम्प्लॉई नीड दैट इज मेट स्टेटस, इससे एम्प्लॉइज का जो स्टेटस है और रिकॉग्निशन है वो बढ़ता है, यानी कि उनको रिकॉग्निशन मिलती है। द परफॉर्मेंस रिजल्ट इज अवेकन ड्राइव्स, और इससे जो लोगों की ड्राइव है, इच्छाएं हैं, वो अवेकन होती हैं, जागृत होती हैं। नेक्स्ट है द कॉलेजियल मॉडल। कॉलेजियल मॉडल इज द एक्सटेंशन ऑफ सपोर्टिव मॉडल, ये सपोर्टिव मॉडल का ही एक एक्सटेंशन है, क्योंकि जो कॉलेज वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस, लोगों का एक समूह जो कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हों, इसलिए जो कॉलेजियल मॉडल है उसका मीनिंग भी यहीं से निकलता है, इसमें टीम वर्क पे फोकस होता है। बेसिक फाउंडेशन ऑफ कॉलेजियल मॉडल लाइज ऑन मैनेजमेंट एबिलिटी टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ पार्टनरशिप विद द एम्प्लॉइज, इसमें एम्प्लॉइज के बीच में
एक पार्टनरशिप की फीलिंग लाना ये मेन फोकस रहता है मैनेजमेंट का। अंडर कॉलेजियल अप्रोच, इस अप्रोच के तहत एम्प्लॉयज फील नीडेड एंड यूजफुल, एम्प्लॉयज को लगता है कि वो भी नीडेड है, उनकी जरूरत है संस्था को और वो यूजफुल है। दे कंसिडर मैनेजर्स एज ज्वाइंट कंट्रीब्यूटर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस रादर देन एज बॉसेस। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो मैनेजर्स को ज्वाइंट कंट्रीब्यूटर समझते हैं, ना कि अपने बॉस बॉस ना समझ करके उनको समझते हैं कि ये भी हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम भी संस्था के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इसमें बेटर फीलिंग रहती है एम्प्लॉयज के बीच में। तो इस पार्ट में इतना ही, आने वाला जो इसका पार्ट होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसमें हम मेजर टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, इसके अलावा एटीट्यूड, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनालिटी, परसेप्शन, इन सब की स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपने व्यूज को कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।